एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। आप इजाज़त दें तो हम इसी होटल में वो सीडी ले आए, तो मैंने कहा ठीक है दिखाओ लाओ। तो उन्होंने ये गुजरात में सीडी घूम रही, देखिए ये सब यहूदियों की साजिश, देखिए किस तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के चेहरे को मस्त कर रहे हैं और मुस्लिम नौजवानों के जहन को गंदा कर रहे हैं। ये मेहनत हो रही है कैसे के जरिए। तो उसमें हमने देखा बड़े लंबे चौड़े कद्दावर, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी और बाल भी यहां तक, और जनाब फौजी ड्रेस और हथियार उनके हाथ में, और कह रहे हैं अल्लाह अकबर जंगलों पहाड़ों में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और हमने उसमें कैसेट में देखा कि एक ट्रक जा रहा था और उन्होंने गोली मारी उसके पहिए पर, और फिर वो ड्राइवर को खींच के बाहर लाए और फिर उसको लिटाया और फिर सर की तरफ से गोलियां चलाई है, तक 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 तो तड़प रहा है। और जनाब उन लोगों को जब वो मर गया तो उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। दुनिया वो कैसेट देख रही, मुस्लिम नौजवान देख रहे हैं कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है, ये यहूदियत है, इस्लाम के चेहरे को मस किया जा रहा है। दो घंटे की कैसेट के बाद मैंने कहा सुनो बेटा बैठो, मैं देखो ये मुसलमान नहीं है। फिर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कहा हम कभी कभी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं सुन तो लो न सुनो, इस्लाम में दाढ़ी तो है मगर दाढ़ी की एक हद है इस्लाम में, ये नहीं कि यहां तक सूप जैसे यहां तक दाढ़ी हो, इस्लाम इस्लामी दाढ़ी नहीं है, हुजूर ने यहां तक दाढ़ी नहीं रखी, ये यहूदियों की। अभी हम इज़राइल गए थे, फलस्तीन गए थे हम, हमने वहां यहूदियों को देखा उनकी इतनी दाढ़ी, मगर ये दाढ़ी से यहूदी और इनकी जो जुल्फे हैं इससे भी यहूदी हैं। हमने यहूदियों को देखा उनकी जो जुल्फ होती है यहां तक, हुजूर ने जुल्फे तो रखी है उसकी एक हद है, कान की लौ तक कभी यहां तक, कभी आपकी जुल्फे इतनी बड़ी कि शाने मुबारक पर पड़ी रहती थी, यहां तक नहीं। तो ये जुल्फों से भी यहूदी, दाढ़ी से भी यहूदी। और जब हम यरूशलेम वहां पहुंचे बैतुल मक़दिस, वहां ने यहूदियों को देखा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद ला इलाहा इल्लल्लाह, यहूदियों की जुबान पर मैं सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद होके आ रहा हूं चार पांच माह पहले। तो मैंने कहा इन्होंने दो घंटे की कैसेट के अंदर एक नारा लगाया अल्लाहु अकबर, यहूदी भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इन्होंने दो घंटे के अंदर एक बार भी मोहम्मद रसूल सल्लम का नाम नहीं लिया। अगर ये गुलामान मुस्तफा होते तो इस नारे के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार तो कहते नजर कहते। ये साजिश आज पूरे मुल्क के अंदर फैलाई जा रही है, मुस्लिम नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, ये कैसे दिखा दिखा के, ये यहूदियों की देन है, यहूदियों की मेहनत है। मगर याद रखो इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम प्यार की तालीम देता है, इस्लाम अखलाक की तालीम देता है। इस्लाम देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े बड़े मुशरिकीन आया करते थे सरदार, तो हुजूर क्या करते थे जब वो मुशरिकीन सरदार आते हुजूर के पास, तो हुजूर क्या करते थे अपनी कमली बिछा अपना रुमाल बिछा देते थे, ये इज्जत देते थे यहां बैठो, अपने रुमाल पर मुशरिकीन के सरदारों को बिठाया करते थे, ये इज्जत दी जाती थी। अखलाक मुस्तफा से कैसे नबी थे अपने शीरी जुबान वाले कहिए सल्लल्लाहु। देखिए एक मरतबा हुजूर मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे हैं, शाम का वक्त है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी मसनवी में इस वाक्य को लिखते हैं बयान करते हैं, मौलाना रूम बयान करते हैं कि काफिरा
मस्जिद नबी में है, शाम का वक्त है, 12 यहूदी हुजूर की खिदमत में आए, और यहूदी आज ही हमारे दुश्मन नहीं है ना, रोज़े अव्वल से हमारे दुश्मन है, वो जब से हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और आपने ऐलान रिसालत किया, और जितना नुकसान यहूदियों से इस्लाम को पहुंचा है किसी से नहीं पहुंचा, जितनी जंगें लड़ी गई अक्सरियत यहूदियों से, मुकाबला यहूदियों से किया, आज भी जितना बड़ा नुकसान यहूदियों से पहुंच रहा है किसी से नहीं, और मुकाबला हमें आज भी उन्हीं से करना है इंशाल्लाह। हुजूर जानते हैं कि मेरे दुश्मन है, मेरे खुदा के दुश्मन है, मगर अखलाक देखिए हुजूर के। उन 12 यहूदियों ने यह कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम आपका मेहमान रहेंगे और आपको हमारे खाने का भी इंतजाम करना है, आज रात हम आपके यहाँ कयाम करेंगे और हमारे बिस्तरों का भी इंतजाम करना है। ये मस्जिद नबी में आके उन यहूदियों ने कहा, और इत्तफाक देखिए कि हुजूर की खिदमत में उस वक्त 11 सहाबी मौजूद थे, 12वें हुजूर खुद थे। जब हुजूर ने देखा तो हुजूर ने क्या कहा सहाबा से, उन 11 शागिर्दों से, क्या देखते हो, नहीं देखते हो दुश्मन है मेरे, रसूल के दुश्मन, खुदा के दुश्मन, मजहब के दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन, ये नापाक निकाल बाहर करो मस्जिद नबी से, और सुनो निकालो ही मत, पहले मेरी मस्जिद को इनसे धुलवाओ, तब इनको मार मार के निकालो। क्या आपको यकीन है कि हुजूर ने ऐसा हुक्म साबित किया होगा, ये आपका दिल कहता है अपने नबी की तरफ से, क्या उनके ऐसे अखलाक थे, नहीं थे, मगर हमारे अखलाक है, हम में बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी मस्जिदों तक को भुलवाते हैं, हम में है बहुत से ऐसे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन यहूदियों से, अहलन वसहलन, मरहबा मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, बैठो। और 11 शागिर्दों से हुजूर ने कहा कि भाई एक एक तकसीम कर लो, एक में 12वें हुजूर खुद थे, कहा मेरे लिए भी एक छोड़ दो। जितने 11 सहाबी 11 मेहमानों को ले गए, एक को छोड़ दिया उन्होंने, जो सब में मोटा काजा था उसको हुजूर के लिए छोड़ दिया। तो हुजूर ने कहा भाई तुम हमारे हिस्से में आ, चलो अल्लाह के नबी अपने घर ले गए, अपने हाथ से दस्तरखान लगाया, नौकरों चाकरों के जरिए नहीं, गुलामों के जरिए नहीं, अपने हाथ से खाना लगाया, खाओ। मगर इतना बड़ा पेटू था, इतना खाने की रियाज करके आया था, ये मेहमान इसलिए बना था ये कि हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए, रुसवा करने के लिए मेहमान बना था, इतना पहले से रियाज उसका था खाने का, 20 आदमी का अकेला खाता था ये, हुजूर खाना ला रहे हैं, खा रहा है हुजूर खाना ला रहे हैं, बस ही नहीं कहता, पूरे घर का खाना खा गया। फिर हुजूर ने जब खाना खत्म हुआ तो बकरियों का दूध दिया, तो हुजूर दूध ला रहे हैं वो भी पी रहा, ये दूध को भी नहीं कहता कि बस करिए साहब, जब इसने खाना पीना खा लिया, दूध खूब पी लिया, तो हुजूर ने हुजरे में लिटाया, बिस्तर किया, और फिर बाहर से आका ने सीकरी दे दी, जंजीर लगा दी, कुंडी लगा दी बाहर से। रात का जब हिस्सा गुजरा तो दूध ने अपना काम कर दिया, दूध ने क्या काम किया, अब हम क्या बताएं, आपसे मेहमान हो गया, अब हम बताएं, आप इतना कीजिए कि आज बयान खत्म होने के बाद 2 किलो गरम गरम दूध पी के सो जाओ, सुबह इंशाल्लाह नहीं हो पाएगी, जल्द सामने आ जाएगा, क्या करेगा। बस जब रात का एक हिस्सा गुजरा तो उसके पेट में गड़बड़ हुई, तो जल्दी से उठा, दूध ने अपना काम कर दिया था, पेट को फ्री कर दिया था, तो सोचा किवाड़ खोल के बाहर जाऊं मैदान के लिए, तो किवाड़ तो बाहर से बंद थे, तो फिर बिस्तर पे लेट गया गुड़मुड़िया होकर, तो आंख लगी तो ख्वाब देखता है सपना कि गोया मैं बैतुल खला में बैठा हूं, लेटरीन में बैठा हूं, वहीं बिस्तर पे पखाना कर, अल्लाह के नबी ने बिस्तर को नापाक कर दिया। जब गीला गीला लगा तो आंख खुली, ओ ये तो लेटरीन नहीं बिस्तर है, तो सोचा के निकल के भागू, मंगीवाल को बंद थे, फिर लेटा। हुजूर जब मस्जिद नबी जाने लगे तहज्जुद के लिए, कुंडी खोलते गए,
इसको जो मौका मिला किवाड़ खोले हैं तो इसने धीरे से किवाड़ खोला, इधर झांका उधर झांका, ऐसा भागा कि अपनी तलवार भी वहीं छोड़ दी जिसकी मुठ सोने की थी। हैबत में जान के लाले पड़े थे, वहां तलवार याद आती कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुझे अपने गुलामों से अपने शागिर्दों से कत्ल करा देंगे, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है मैं। नमाज फजर के बाद हुजूर ने हजरत सहाबा से कहा, देखो भाई मेहमान को देखो, क्या जरूरत है मेहमान को मेरे। जब हजरत सहाबा वहां पहुंचे हुजरे में, देखा हुजरा खुला है, मेहमान नहीं है, और मेहमान ने बिस्तर को नापाक कर दिया, भागा। कसम खुदा की 1400 साल का अरसा गुजर गया है हुजूर को दुनिया में आए हुए, हुजूर की नालायन मुबारक के नीचे जो मिट्टी आ गई, अगर उस हाथी को तौहीद हमारे सामने करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमें 1400 साल गुजर गए, ये मोहब्बत का आलम है कि उस खाक की भी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हजरत सहाबा तो हुजूर से बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, कसम खुदा की वो कैसे बर्दाश्त करते। वह हजरत सहाबा के चेहरे उतर गए, गुस्से में सुर्ख हो गए, और बस ये कह रहे हैं कि मिल जाए तो कीमा बना देंगे आज उसका। हुजूर के पास पहुंचे तो हुजूर ने जब हजरत सहाबा का चेहरा देखा तो चेहरा पढ़ लिया कि चेहरे सबके उतरे हुए हैं, मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, कहने हुजूर क्या बताएं क्या हुआ, मिल जाए तो कीमा बना दें उसका। भाई हुआ क्या, मौलाना रूम फरमाते हैं कि हजरत सहाबा ने कहा कि ये चुली का दस्त मेहमान साहबा ने कहा हुजूर इतनी कर्दस्त मेहमान देवी, आपके मेहमान ने इतनी बड़ी गलती की है कि बिस्तर को नापाक करके भाग गया है। तो जब हुजूर ने सुना तो हन गए जद रहमतुल आलमी, मेरे नबी का खलाक को तो देखो, मेरे नबी के प्यार को तो देखो। हुजूर ने जब सुना तो हुजूर मुस्कुरा दिए और साहबा से कहा सुनो मेहमान तुम्हारा था या मेरा, कहने हुजूर आपका, तो का तकलीफ मुझे होनी चाहिए ना कि तुम, मेरा मेहमान था, मेरे साहबा मेरे मेहमान से गलती हुई है, तुम फिक्र मत करो, उस बिस्तर को ले आओ, कसम खुदा की ये नबी के अखलाक, बिस्तर को ले आओ। साहबा गए बिस्तर ले आए, हुजूर ने फरमाया पानी लाओ, साहबा गए पानी लेके आए, हुजूर ने फरमाया तुम पानी डालो मैं धोता हूं। उस वक्त हजरत सहाबा पे क्या गुजरी होगी, कसम खुदा की सहाबा मचल गए, कदमों पे गिर पड़े, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या खैर खल्किल्लाह सलातु वस्सलाम अलैक या बिन नूरिल्लाह, हुजूर हम धोएंगे आप नहीं, मेरे आका ने फरमाया ये हक तुम्हारा नहीं है, मेरा मेरे मेहमान से गलती हुई, तुम पानी डालो मैं धोता हूं। और साहबा पानी डाल रहे हैं, हुजूर धो रहे हैं। कसम खुदा की इस अखलाक का नमूना दुनिया के अंदर अगर आप किसी दूसरे का पेश कर सकते हो तो पेश करो, दुनिया के अंदर हुजूर के अखलाक की मिसाल नहीं मिलती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में तारीफ की, आप बेहतरीन अखलाक वाले। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से सिद्दीका कायनात जो मखदूमतुल मुस्लिमीन है उनसे किसी ने मालूम किया कि आप ही बताइए कि हुजूर के अखलाक कैसे थे। बीवी से इसलिए मालूम किया कि शोहर के मुताल्लिक बीवी जितनी जानकारी रखती है वो दूसरा कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि वो खिलवत की भी राजदार होती है, जिलवत की भी राजदार होती है। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया बड़े ताज्जुब के साथ कि मुझसे मेरे महबूब के अखलाक के बारे में तुम मालूम करते हो, ऐसा लगता है कि तुम कुरान नहीं पढ़ते, मुझसे मालूम मत करो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह ताला मेरे महबूब के अखलाक की तारीफ कर रहा है, इन्नका ला अला खुल्किन अज़ीम, जिनके अखलाक
की तारीफ अल्लाह के दुआलम कर रहा हो, उनके अखलाक के बारे में तुम मुझसे मालूम करते हो, मुझसे मालूम मत करो, कुरान पढ़ा करो कि मेरे महबूब के अखलाक कैसे थे, ये थे वो अखलाक। धो रहे हैं। अब वो जो यहूदी आगे गया तो उसको याद आ गया कि मेरी तलवार वहीं रह गई है भूले से, जिसकी मोट सुनी की है, तो अगर मौका लगे तो ले लूं, तो उस तलवार को लेने के लिए लौटा। तो क्या देखता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उस बिस्तर को अपने हाथ से धो रहे हैं। गुलाम पानी डाल रहे, शागिर्द पानी डाल रहे। जब यहूदी ने ये देखा तो कसम खुदा की इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ, और हुजूर के कदमों पे गिर पड़ा। इस्लाम को तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बम फोड़ने की जरूरत नहीं है इस्लाम फैलाने के लिए, राइफलें चलाने की जरूरत नहीं है इस्लाम को फैलाने के लिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, गोली से नहीं फैला, बम से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक मुस्तफा से फैला। यकीन महकम अमल पर हम मोहब्बत पाता है आलम, यकीन महकम अमल पर हम मोहब्बत पाता है आलम, जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर। इस्लाम की शमशीर अखलाक है, इस्लाम की तलवार किरदार है, इस्लाम की बंदूक तरीका मुस्तफा है, अखलाक मुस्तफा है। ऐसा अखलाक पेश करो दुनिया खुद ब खुद, इंशाल्लाह एक दिन आ रहा है कि पूरी दुनिया ईमान लाएगी। इंशाल्लाह आ रहा है, इस्लाम नहीं मिटता, मान लीजिएगा इस्लाम नहीं मिटता, ना मिटा है ना मिटेगा। इसका सबूत, इसकी जमानत हुजूर ने दे दी 1400 साल पहले दे दी। हुजूर ने फरमाया बातिल मिटेगा, हक फैलेगा। कसम खुदा की, हिफ्जुर रहमान मेरठी का तो यह अकीदा है कि कसम खुदा की मेरे आका ने जो कह दिया है कायनात का निजाम भ्रम भ्रम हो सकता है, मगर हुजूर ने जो कहा है वो अल्फाज गलत नहीं हो सकते। इंशाल्लाह बातिल मिट के रहेगा, इस्लाम घर घर पहुंच के रहेगा इंशाल्लाह। इस्लाम नहीं मिटता, इसके मिटाने वाले मिटेंगे, इसके मिटाने वाले या तो अल्लाह उनको हिदायत दे देगा, या तो हिदायत या फिर मिटेंगे। और कटने मरने से किसी को नहीं डरना चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम पीर तरीका तारीफ बिल्ला मेरे जवानों बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा करते थे कि बरोज खतना मैं लोया तो नाई ने कहा हंस करो। अच्छा ये तो बताओ, जब बच्चे की खतना होती है तो बच्चा हंसता है रोता है? कभी सुना है आपने कि बच्चे की खतना हो रही हो, बच्चा हंस रहा हो और नाई को कहता हो कि ले 100 रुपया इनाम बड़ा बढ़ा के काट दो, मजा आ गया? तकलीफ होती है तो रोता ही है। और बच्चा क्या, हम सभी रोए थे, न कहो सर तो नाई ने मुसलमानी में मुसलमानी में ताकत खून बहने ही से आती है, मुसलमानी में ताकत खून बहने ही से आती है। हमारा खून जो दुनिया कर रही है यही खून का इंकलाब पैदा करेगा इंशाल्लाह, यही खून को रंग लाएगा इंशाल्लाह। अब जो उसने देखा यहूदी ने तो दौड़ कर आया और कदमों पे गिर पड़ा। उस यहूदी ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यहां अखलाक की तलवार थी या? और जब वो मुसलमान हो गया तो हुजूर ने क्या कहा उससे? मौलाना रूम फरमाते हैं कि सदे दीगर तो शो मेहमान मां। जब वो ईमान ले आया तो हुजूर ने फरमाया हम तुम्हें आज भी जाने नहीं देंगे। हुजूर ने फिर रोक लिया, कहने फिर हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, नहीं जाने दिया हुजूर ने उसको।
मेरे अजीज नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, शबिन ऊपर के परवानों, साकी कौशल के मस्तानों, अब तोबा कर लो कि इंशाल्लाह हम अपने गुनाहों से तोबा करेंगे और अपने आंसुओं को बहाएंगे अल्लाह के सामने और मस्जिदों को आबाद करेंगे और सुन्नतों को जिंदा करेंगे और दावत के काम में लगेंगे। इसलिए कि दीन को सीखेंगे, जब तक का दीन का इल्म आपके अंदर नहीं आएगा तो आप कैसे जानेंगे दीन क्या है। और इल्म ही एक चीज है कि इल्म होने से हकीकत का पता चलता है, इल्म ही से यह सच है कि खुदा मिलता है। अब मदरसे में तो नहीं जा सकते, इतनी इतनी उम्र हो गई है, तो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक दो मदरसे होते हैं, एक तो मदरसा आप इस जगह क्या नाम है सिलवास तालीमुल इस्लाम मदरसा है यहां, ये मेरठ जाएगा उठ के, ये मदरसा मेरठ भी चला जाएगा, बंबई भी जाएगा, वलन भी पहुंचेगा, नहीं यही रहेगा। एक मदरसा मां इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने चलते फिरते मदरसे की बुनियाद रखी कि अब तुम इस लायक नहीं कि इस मदरसे में नाम लिखवा सको, उम्र ज्यादा होगी, चलते फिरते मदरसे में ना लिखवाओ तीन दिन महीने के, बाकी महीने में तीन दिन कम करो कितने दिन बचे 27 दिन दुनिया का काम में लगो, तीन दिन आओ दीन को सीखो, नमाजों को सही करो, मसाइल को सीखो, खुशो और खुजू पैदा करो, तरीका सीखो नबी का, तीन दिन महीने में 40 साल पे लगा दो। और मेरे जो हजरत हैं, मेरे जो पीर हैं, हजरत माज और फकार साहब मरकज में 7 नंबर रूम में हजरत का कयाम रहता है, मेरे पीर का, रशीदिया हजारी बाग चतरा के गद्दी नशीन है, और हजरत माजुल फकार साहब बिहार और उड़ीसा के अमीर तबलीग भी हैं और मरकज के अंदर बड़े काबिलीन में शुमार, बली आदमी हैं। कभी दिल्ली मरकज जाना हो तो हजरत अगर हो बिहार के माजुल फकार जरूर मुसाफा कीजिए, अल्लाह के नेक बंदों में डबल ए में पूरी जिंदगी दावत के काम में वक्त करो। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहली जमात की तस्वीर शुरू की, पहली बार 1 साल पैदल जमात, जब हजरत मान इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1 साल की पहली जमात की तश्कील की तो मेरे ही हजरत थे, मेरे ही पीर थे, खड़े हो गए, कहने लगे 1 साल जुल्फकार का लगाया जाए, दिखा जाए। तो मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से ये अल्फाज निकले उस वक्त कि अल्लाह के वली ने पहल कर दी है, कामयाबी हो गई। और जब हजरत 1 साल की जमात में निकले तो कसम खुदा की 1 साल के अंदर 700 जमातें 1 साल की निकाली आपने।